सूबे की राजधानी लखनऊ से सटी हुई एकमात्र विधानसभा सिधौली, जनपद सीतापुर की सबसे बहुचर्चित विधानसभा सिधौली, 41 बसंतों के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलेगा या नहीं, इस पर हम क्या राय है विधानसभा क्षेत्र सिधौली में वकीलों की, उनकी हम राय जानते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रजापति, आप देखते रहिए न्यूज स्पंदन। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलेगा, क्या राय है आपकी? मिलना चाहिए, श्योर मिलना चाहिए, क्योंकि 41 साल तक ये शून्य पड़ी रही भाजपा प्रदेश की सीट, कोई किसी में दम नहीं था कि जीत सकते। ये मनीष रावत हैं जिन्होंने अपने दम पे, अपनी लोकप्रियता के बलबूते इस सीट पे कमल के खिलाने का काम किया है, इसलिए इनको आम जनमानस की, हमारी ही नहीं, यहाँ के आम जनमानस की ये उत्कट इच्छा है कि उन्हें योगी कैबिनेट में उनको स्थान मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? शफीक आलम। शफीक आलम, आपने सिधौली में 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए? हाँ, जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो इसके काबिल है। वो उसके काबिल है, इसके काबिल है और जनप्रिय नेता हैं, और भाजपा का उद्धार किया है और यहाँ की जनता का उद्धार करें, इसलिए उनको मंत्री पद दिया जाए। क्या नाम आपको? राजेश कुमार निषाद होता है। कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए? बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद ये सीट निकली है और जनता का विश्वास भी है कि कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्षेत्र का विकास भी संभव है। जिस समय ये विकास की तरफ भाजपा जा रही है, उस हिसाब से मनीष को स्थान मिलना अति आवश्यक, ये लोगों की इच्छा भी है और हार्दिक अंदर से वो है कि हमारे क्षेत्र का ये जुझारू और संघर्षशील विधायक जो बना है वो कैबिनेट में जा करके क्षेत्र के विकास की बात करें। क्या नाम आपका? हरीशरण अवस्थी, एडवोकेट। सिधौली में 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए, क्या राय है आपकी? मिलना तो चाहिए, बनता तो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गढ़ रही सीट है, इसको भाजपा को डेढ़ गुना करने वाले मनीष रावत 70,000 से 80,000 पहुँचा है, और मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में, प्रदेश में कोई शायद ही ऐसी सीट हो जहाँ पर भाजपा का मूल वोटर डेढ़ गुना हो गया, तो बात तो बनती है, लॉजिक तो है। और बाकी भाई जो भी जिम्मेदारी सरकार देगी, मनीष रावत जी कुशल नेता हैं, वो मिलना चाहिए, क्योंकि 41 साल के बाद यहाँ पर कम से कम उन्होंने एक इस पार्टी की इज्जत रखी, इसलिए उनको हर हालत में चाहिए कि उनको स्थान अवश्य मिलना चाहिए, बल्कि उनको यहाँ तक होना चाहिए कि वो कैबिनेट में मंत्री पद चाहिए, क्योंकि 41 साल के बाद में ये सिधौली का उत्थान ही के लिए इनको जो है वो किया गया है, वोट दिया गया है, और सज्जन व्यक्ति तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर सज्जन न होते तो शायद इतनी बम्पर जीत से जीतते भी नहीं, क्योंकि पिछली सरकार से, तो इसलिए हमारा तो हमारी इच्छा ये है कि उनको हर हालत में यहाँ का बनाया जाए, और अगर न बनाया गया तो फिर सिधौली का दुर्भाग्य है। सिधौली का दुर्भाग्य, क्या नाम आपका? हमारा यही है कि भाई उनको बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाता है तो हम सिधौली का दुर्भाग्य ही समझेंगे, और क्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमाकांत मिश्रा। क्या लगता है 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलेगा? हमारे विधानसभा सिधौली में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितनी माताएं बहनें जनता हैं, ये सबकी आशा है कि अगर वरिष्ठ कमेटी मनीष जी को मंत्री बनाती है तो बहुत बड़ा जो है हम लोगों का सौभाग्य रहेगा कि सिधौली में 40 साल जीतने के बाद भाजपा का कमल खिला है और इनको मंत्री बनाया जाए, ये हम सब लोगों की मांग है। और अगर सभी नेता अगर इस पर विचार करेंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मिश्र, एडवोकेट, महामंत्री लाइसेंस। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में क्या उन्हें खास जिम्मेदारी मिलेगी, इस मुद्दे पर विधानसभा क्षेत्र सिधौली, जो तहसील क्षेत्र सिधौली है, यहाँ पर वकीलों का क्या मत है? हमारे बीच में एक वकील साहब हैं, क्या लगता है 41 साल के बाद कमल खिला विधानसभा क्षेत्र सिधौली में 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए? 101% मिलना चाहिए,
क्योंकि इस सिधौली की जनता ने पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छे मतों से माननीय मनीष रावत जी को कमल खिलाने का अवसर प्राप्त किया। 41 साल बाद विधानसभा सिधौली के अंदर कमल खिलने का काम हुआ है। मनीष रावत जीते हैं तो ये जनता की प्रबल मांग है कि मनीष रावत को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए और पूरी जनता, बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ का हर समाज का वर्ग, लगभग हर समाज के व्यक्ति के लोगों ने वोट किया है, कमल को जिताने का काम किया है। तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व से भी यहाँ की जनता मांग करती है कि मनीष रावत जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए ताकि यहाँ के रुके हुए विकास के काम आगे बढ़ सकें और यहाँ जनता इस आशा से ये पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि मनीष रावत को स्थान मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग पांडे है, पेशे से अधिवक्ता हैं। ये जगह मिलना चाहिए मनीष रावत जी को, सिधौली में अभी तक जो विकास नहीं हुआ है इसीलिए उन्हें वोट दिया गया है। जनता ये चाहती है मनीष रावत को कभी भी जगह मिलनी चाहिए, बाकी पदार्थ खिलाने की जो चाहे वो मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि इस समय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी का सपना है 2024 में दोबारा सरकार बनाने का, तो जातीय समीकरणों को लेकर के चल रहे हैं। चूंकि हमारे जनपद से कौशल किशोर जी, उनको केंद्र में स्थान दिया गया है, इस वजह से हो सकता है कि न दिया जाए, लेकिन चूंकि सिधौली की धरती पर मनीष रावत जी ने पहली बार कमल खिलाया है, उन्होंने भाजपा को जीत दिलाई है, एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई है, अच्छे अंतर से जीत दिलाई है, इस वजह से आम जनता के मन स्थल को देखते हुए, उनकी इच्छाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मनीष रावत जी को स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि मनीष रावत ही ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने सिधौली विधानसभा में एक 4 दशक के बाद कमल खिलाया है, इसलिए उनको कैबिनेट में स्थान दिया जाना चाहिए। क्या नाम है वकील साहब आपका? संजय सिंह रुकेट कहते हैं, पूर्व महामंत्री हूँ बारिश एसोसिएशन से। को कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए क्योंकि मनीष रावत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विधानसभा सिधौली में कमल खिलाया है। 41 साल के बाद कमल सिधौली में खिला है और दूसरा व्यक्ति अगर कोई भी होता तो वो कमल खिलता ही नहीं सिधौली में। मतलब विधानसभा जो सिधौली है वो मनीष की बदौलत जीती है ना कि भारतीय जनता पार्टी? मनीष की बदौलत जीती है, भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं, मनीष का व्यक्तिगत व्यवहार है उसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है। क्या नाम आपका? पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट। जी कैबिनेट में, यार कैबिनेट का स्थान इनको मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हाथ मिलाकर काफ़ी मेहनत मशक्कत करके इनको टिकट न मिलने की वजह से यहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही जिताया इनको और अपनी बदौलत से ही जीते हैं, इसलिए इनका कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए, मंत्री बनाना अनिवार्य है। क्या नाम आपका? रमेश चंद्र यादव। 41 पसंदों के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को कैबिनेट में स्थान मिलेगा? हमारी विधानसभा लंबे समय से विकास की बाट जो रही है और अगर हमारे विधायक को मंत्री बनने का मौका मिलता है तो क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा और हम लोग भी चाहेंगे कि मनीष रावत जी को कैबिनेट में स्थान मिले। इसके पहले यद्यपि श्यामलाल रावत जी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं मगर सिधौली क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनने का या राज्य मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। आज़ादी के बाद हाँ लंबे समय से और विधायक जो रहे भी आज से 41 साल पहले जो विधायक रहे उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी उसको इस उपलब्धि को भुलाते हुए हमारे विधायक को मंत्री पद से नवाजना। सिधौली विधानसभा में माननीय मनीष जी को जो उनका परिश्रम रहा और उनकी जो यहाँ पर सिधौली में उनके समर्थक के लोग रहे उन लोगों ने जीत तो सुनिश्चित कराई है और हम सभी कार्यकर्ताओं का ये मन भी है कि हमारे सिधौली विधानसभा में 41 साल बाद जो कमल खिला है उसके साथ साथ अगर सिधौली विधायक को मंत्री पद मिल जाता है तो ये हमारे सिधौली के लिए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत गौरव की चीज़ होगी। लेकिन
अब ये मंत्री पद आप हमसे पूछ रहे हो तो हमको तो देना नहीं है कि हम हाँ कर दें और ना कर दें। अगर ये हमारे स्तर का होता तो मैं ये जरूर कहता कि मनीष रावत को मंत्री बना दिया जाए। इसलिए जो है अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितना यहाँ पर काम किया है और वर्षों से 41 साल से काम किया है, आज जाके उनकी मेहनत रंग लाई है और माननीय मनीष जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने भी क्षेत्र के अंदर लोगों से जनसंपर्क बनाए रखा, जिससे जो है क्या कहा जाता है उनकी जीत सुनिश्चित हो सकी है। बाकी पार्टी अपने स्तर पर समाज के अंदर हर गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही है, गरीब व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। आज अभी मेरी एक बात हो रही थी एक अधिकारी से, तो उन्होंने हंस के हमसे कहा कि देखो प्रवीण जी, हम अधिकारी हैं और आप अधिवक्ता हैं और हम आप गरीब की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई गरीब की सेवा कर रहा है तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताया कि माननीय मोदी जी सिर्फ गरीबों के लिए काम करते हैं, और उनकी इस बात को सुन के इतना आनंद आया, इतना मैं प्रफुल्लित हुआ कि उसका कोई जवाब नहीं था भाई साहब, ये मेरा कहना है। और बाकी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे सिढौली विधायक भाजपा के हैं, उनको मंत्री पद अगर मिलता है तो जो है मैं शीर्ष नेतृत्व का और माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन। देखिए यहाँ की आम जनता की तो ही मांग है, ये उनको स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी परिश्रम की क्षेत्र की जनता ने और बड़ी आशाएँ लगाए रखते हैं। इतने समय काफ़ी अरसे से यहाँ पर तमाम लोग विधायक बनते रहे, सत्ता पक्ष में जाते रहे, लेकिन यहाँ का विकास सिंधौली का किसी विधायक ने नहीं कराया। इसलिए यहाँ की जनता चाहती है और फिर भाजपा को ये देखना चाहिए कि इतने साल बाद अगर इस साल उनकी झोली में ये सीट डाली है तो आने वाले 24 के चुनाव में उनको इस विषय पर सोच करके और मंथन करके, जो चाहे भले ही जो है कांग्रेस के नीचे राज्य स्तर का मंत्री बनाया जाए, लेकिन बनना चाहिए। और यहाँ की जनता की यही ज्यादा डिमांड है कि शायद किसी के कार्य चाहिए क्षेत्र का विकास। क्या नाम आपका? 41 साल के बाद विधानसभा क्षेत्र सिधौली में कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलेगा, इस पर क्या राय है? हमारे बीच में है आचार्य मनीष पांडे, मैं इनका राय जानना चाहता हूँ, क्या लगता है 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को कैबिनेट में मिलेगा? जी भाई साहब, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि 41 वर्षों बाद सिधौली की धरती पर कमल खिला हुआ है और जिन लोगों ने कमल को खिलाने में अथक परिश्रम किया है, मेहनत की है, उन सभी की ये शुभेच्छा है मनीष रावत जी के साथ कि उनको कैबिनेट में दर्जा मिले और वो मंत्री बनाए जाएं, जिससे कि सिधौली का सूखा जो और शेष रह गया है उसको भी समाप्त किया जाए, विकास हो जाए। आपने बात करने वाले मनीष रावत को कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो क्षेत्र की सम्मानित जनता ने इस बार सिधौली में भारतीय जनता पार्टी का 42 वर्षों बाद विधायक बनाया है, क्षेत्र में बहुत सारे विकास के काम होना है। जब कैबिनेट में जगह मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा, जनपद का विकास होगा, और जिससे मनीष रावत पूरे तरीके से विकास कर पाएंगे, क्योंकि विधायक निधि इतनी नहीं होती है जितना हर काम संभव होना नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कैबिनेट में जगह जरूर मिलती है, सिधौली क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र की सम्मानित जनता बड़ा खुश होगी। हमारी सबकी यही उम्मीद है कि इनको जगह मिले, हम यही प्रभु जय श्री राम से कामना करते हैं, इनको कैबिनेट में जगह मिले, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। आपने बात 41 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को कैबिनेट में स्थान मिलेगा? हाँ जरूर है, जरूर मिलना चाहिए कैबिनेट में स्थान को। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलना चाहिए? हाँ चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। 41 साल बाद जीतते हैं, खास बात यही है, स्थान मिलना बहुत जरूरी, अच्छी बात है, स्थान मिलेगा और ये काम भी अच्छा प्रगतिशील करते हैं, पहले भी एक बार रहे हैं विधायक तब भी अच्छा काम किए हैं, और अब किला कोई पद मिलेगा तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा काम करने की कृपा करेंगे। वो ना स्थान तो मिलेगा उसको, स्थान मिलेगा, मिलना चाहिए। वहाँ का रोता हुआ आया है, उसको गले लगाएगा, बिल्कुल बनना चाहिए। इतने दिन के बाद जीते हैं, व्यक्ति वोटर से जीते हैं, जनप्रिय नेता हैं, तो मंत्री पद तो बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मुकेश। 40 साल के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में मिलेगा स्थान? 100% योगी कैबिनेट में
मनीष रावत को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि 41 साल बाद सिधौली सोभम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को परचम लहराया है। 100% और हम आशा करते हैं कि योगी मंडल में बिल्कुल 100% स्थान मिलेगा। मैं वाला रावत एडवोकेट तहसील सिधौली। बोले मनीष रावत बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी है, ठीक हो। ऐसे व्यक्ति हैं बेचारे जो कंधे की कंधा मिलाकर चलते हैं हर व्यक्ति, और बहुत अच्छे आदमी। हमारी निवेदन ये है कि योगी सरकार में उनको अच्छा पद मिलना चाहिए। अच्छा पद मिलना चाहिए तो तभी जाकर के विधानसभा क्षेत्र सिधौली में विकास होगा। हाँ, विकास होगा। क्या नाम आपका? आवाज ग्राम निवासी। आवाज, क्या लगता है योगी कैबिनेट में मनीष रावत को स्थान मिलेगा? अवश्य मिलेगा, मिलना भी चाहिए, इससे सिधौली का विकास अच्छा होगा और पार्टी भी मजबूत होगी। यदि मनीष रावत को स्थान मिलता है तो पार्टी मजबूत होगी और विकास भी अच्छा होगा। विकास अच्छा होगा। क्या नाम आपका? हमारा नाम रमेश चौगौड़ी होके। क्षेत्र सिधौली में 41 बसंतों के बाद कमल खिलाने वाले मनीष रावत को योगी कैबिनेट में स्थान मिलेगा, इस पर क्या मानना है वकीलों का? हम बात करते हैं, क्या लगता है 41 साल के बाद विधानसभा क्षेत्र सिधौली में कमल खिलाने वाले उम्मीदवार मनीष रावत को योगी कैबिनेट में मिलेगा स्थान? मेरा ये मानना है कि ये निर्णय जो है ये विधानसभा में जो नेता चुने जाएंगे माननीय योगी जी और केंद्र के जो भी फैसले रहेंगे, तो मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है किसको नहीं शामिल करना है ये उनका अपना विचार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि विधानसभा सिधौली अंतर्गत जो 41 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ है, इससे जनता, सिधौली विधानसभा की जनता बहुत प्रफुल्लित है और साथ में ये उम्मीद जरूर करती है कि कुछ दायित्व के साथ हमारी सिधौली प्रतिनिधित्व करें, जिससे सिधौली का रुका हुआ विकास, अभी तक का जो रुका हुआ विकास है, विकास आगे बढ़ सके। क्योंकि यहाँ आज 41 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं रहा है विधानसभा में। यहाँ की बहुत बहुत समस्याएं हैं जो अभी पूरी होनी बाकी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ये पहले विधायक हैं और ये उनका प्रतिनिधित्व इस रूप में रहेगा। चुनाव के समय जिस समय एक नया जोश कार्यकर्ताओं में, साथ में पार्टी के पदाधिकारियों के बीच जो जोश है, वो जोश कायम होते हुए यहाँ की जनता ये जरूर उम्मीद करती है कि मंत्रिमंडल में मनीष रावत जी को भी स्थान मिले। हमारी भी उम्मीद है कि मनीष रावत जी को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, क्योंकि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनसे अपेक्षाएं हैं, जनता को अपेक्षाएं हैं, और वो मंत्रिमंडल में रहकर स्वतः ही पूरी हो जाएगी और विकास की एक नई गंगा बहेगी, यह उम्मीद है, क्योंकि सिधौली बहुत दिनों से विकास के लिए आ सकता है।